ओके फ्रेंड, नाउ वी विल डिस्कस के जो कुरानिक हेयर्स हैं उनमें से 2/3 हिस्सा किन हेयर्स को दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 2/3 हिस्से का हकदार कौन कौन लोग हैं, किन सिचुएशन में हैं, किन सरकमस्टेंसेस में हैं। अगर वो सिचुएशंस हैं, वो सरकमस्टेंसेस हैं, तो उन लीगल हेयर्स को मरहूम या मरहूमा की प्रॉपर्टी में से 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। अच्छा, इससे पहले हमने हाफ हिस्से के बारे में पढ़ा था, यानी कि 1/2। ठीक है, यानी कि हाफ हिस्सा, उसमें से हमने पढ़ा था 5 लीगल हेयर्स थे उसमें। उसमें एक हस्बैंड था, डॉटर, सन्स डॉटर, फुल सिस्टर एंड कंसेंग्विन सिस्टर। ठीक है, अब यहां पर 2/3 हिस्से के बारे में हम बात करेंगे। इसमें 4 हैं, यहां हस्बैंड जो है नहीं है। ठीक है, यहां पर हस्बैंड के अलावा जो 4 लीगल हेयर्स थे, तो वो डॉटर्स, सन्स डॉटर्स, फुल सिस्टर और कंसेंग्विन सिस्टर यहां पर भी मौजूद हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो है हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड को हमने यहां से निकाल दिया है। ठीक है, हमने नहीं निकाला, बाहर के इस्लाम का एक असूल है, तो यहां पर जो है हस्बैंड नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो डॉटर है उसको 2/3 हिस्सा कब दिया जाएगा। सिनेरियो से समझेंगे, जब सिनेरियो को हम समझ जाएंगे तो आसानी से हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि किस सिचुएशन में डॉटर को 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। फर्ज कीजिएगा कि ये फॉर एग्जाम्पल फादर हैं, ये मदर हैं। ठीक है, तो डॉटर को किसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाएगा? पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से, चाहे वो वालिद फोत हो जाए, माँ फोत हो जाए, अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो डॉटर को हिस्सा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों की शादी से इनकी एक ही बेटी है। ठीक है, एक ही बेटी है, सॉरी एक नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, इन दोनों की जो शादी से इनकी 2 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। अगर एक बेटी होती तो हम पढ़ चुके हैं उसको हाफ हिस्सा दिया जाएगा। अगर दोनों की शादी से 2 बेटियां हैं और इनका कोई नारीना औलाद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इनका कोई बेटा नहीं है। ठीक है, बेटा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फादर जो है वो फौत हो जाता है, फादर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इन जो फादर है जो फौत हो चुका है उसकी 2 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, तो इन 2 बेटियों को 2/3 हिस्सा दिया जाएगा फादर की प्रॉपर्टी में से। अगर फॉर एग्जाम्पल माँ जो है वो फौत हो जाती है और इनकी कोई नारीना औलाद नहीं है, ना प्रेजेंट हस्बैंड से है ना प्रीवियस हस्बैंड से है, बिल्कुल नारीना औलाद इनकी है ही नहीं, तो इस सिचुएशन में इन दोनों बहनों को जो है 2/3 हिस्सा दिया जाएगा, माँ की प्रॉपर्टी है या फादर की प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी में से। अच्छा, सन्स डॉटर को 2/3 हिस्सा कब दिया जाएगा? सन्स डॉटर यानी कि सन्स डॉटर जो है वो अपनी जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से 2/3 हिस्सा कब इनहेरिट करेगी। तो सन्स डॉटर को समझने के लिए सीनियोरियो समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये फादर हैं, ये मदर हैं। ठीक है, इनका एक ही औलाद थी, यानी कि इनका एक ही बेटा था। ठीक है, बेटा इनका एक ही था, यानी कि इनकी कोई बेटी नहीं है, यानी कि बेटी नहीं है, इनका कोई दूसरा फॉर एग्जाम्पल बेटा भी नहीं है। एक ही, पहली कंडीशन, इनकी कोई दूसरी औलाद नहीं है, एक ही बेटा था। ठीक है, अच्छा, इस बेटे ने शादी की और इस बेटे को अल्लाह ने 2 बेटियां दी है, तो ये असल में बन जाएंगी ग्रैंड डॉटर। किस, इनकी बेटियां हैं और ये जो है इनकी, इनकी ये क्या है, ये ग्रैंड डॉटर है, और ये क्या है, ये ग्रैंड फादर हैं और ये ग्रैंड मदर हैं। ठीक है, अब हम इस सिनेरियो को समझेंगे कि जो ग्रैंड डॉटर्स है उसको ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से 2/3 हिस्सा कब दिया जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इनका भी कोई भाई नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका कोई बेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो बेटा था इनका
एक ही बेटा था, उसका कोई बेटा नारीना औलाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनकी सिर्फ जो है दो ही बेटियां हैं, ठीक है, और यहां पर इन दोनों की कोई दूसरी औलाद भी नहीं है। अब ये जो बेटा है ये फादर से, फॉर एग्जाम्पल फादर को हम मार देते हैं कि भाई फादर जो है वो इंतकाल कर चुका है, बेटा जो है फादर से पहले फोत हो चुका है, ठीक है। अब ये जो फादर फोत होगा तो इस जो ग्रैंडफादर है, इनकी दो ग्रैंड डॉटर्स हैं, तो इन दोनों ग्रैंड डॉटर्स को 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, फुल सिस्टर को कब हिस्सा दिया जाएगा? फुल सिस्टर, अब हम समझेंगे फुल सिस्टर के हवाले से कि फुल सिस्टर को, यानी कि बहन की, फॉर एग्जाम्पल बहन फोत हो चुकी है तो बहन को कितना हिस्सा दिया जाएगा, या भाई फोत हो चुका है तो बहन को कितना हिस्सा दिया जाएगा, सगे बहन को, ठीक है। तो यहां पर हम समझेंगे कि फादर है, ये मदर है, ठीक है, इन दोनों की शादी से इनकी दो ही औलाद थी। फॉर एग्जाम्पल इनका एक, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि एक भी बेटी थी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये बेटी, ये दूसरी भी क्या थी, बेटी थी, ठीक है। अच्छा, ये जो बेटी थी इसकी कोई औलाद भी नहीं है, ठीक है, इनका फादर जो है वो पहले मर चुका है, ग्रैंडफादर जो है वो भी नहीं है, तो दो कंडीशन हमने पढ़ लिए, जो मरहूमा है उसकी, अच्छा इन दोनों का जो रिश्ता है वो सिस्टर का है। अच्छा, अब हमें यह देखना है कि ये जो एक सिस्टर है ये फोर्थ हो जाती है तो दूसरी सिस्टर को 2/3 हिस्सा कब दिया जाएगा। सॉरी, अच्छा ये इनकी तीन बेटियां हैं, फॉर एग्जाम्पल ये भी बेटी है, ठीक है, तो इनकी तीन बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। अच्छा, अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो बहन है ये जब फोर्थ हो जाएगी तो इन दोनों बहनों को इसकी प्रॉपर्टी में से 2/3 हिस्सा कब दिया जाएगा। बहुत ही आसान, इसकी अपनी जो है कोई औलाद नहीं है, ऊपर फादर भी नहीं है, ग्रैंडफादर भी नहीं है, और ये जो डिसीज है इसकी कोई ब्रदर भी नहीं है, यानी कि इनका कोई भाई भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में 2/3 हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। एक दूसरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो यह है कि ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, इन दोनों की शादी से इनके तीन बच्चे थे, एक फॉर एग्जाम्पल बेटा था, दो बेटियां हैं, ठीक है, बेटा जो है ये इनका जो रिश्ता है आपस में फुल ब्रदर एंड सिस्टर का है, ये इनका फुल ब्रदर है, ये इनकी जो है फुल सिस्टर्स हैं। अच्छा, इनकी कोई औलाद नहीं है, फादर जो है इनसे पहले मर चुका है, ग्रैंडफादर भी नहीं है, ठीक है, अब ये भाई फोत हो जाता है, ठीक है, इसकी कोई औलाद है ही नहीं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों सिस्टर को इसकी प्रॉपर्टी में से 2/3 दे दिया जाएगा, ठीक है। सिनेरियो क्या है, फादर भी नहीं है, ग्रैंडफादर भी नहीं है, इसकी कोई अपनी औलाद भी नहीं है, और ये जो डिसीज पर्सन है ये एक ही भाई था, इसका कोई भाई भी नहीं है, ठीक है, कोई भाई नहीं है जिंदा, सिर्फ इनकी दो ही क्या है बहने हैं, तो इन दोनों बहनों को 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। अच्छा, अब हम समझते हैं कंसेंग्विन सिस्टर को, कंसेंग्विन सिस्टर को कब हिस्सा दिया जाएगा। कंसेंग्विन सिस्टर का, फॉर एग्जाम्पल फुल सिस्टर नहीं है तो कंसेंग्विन सिस्टर्स हैं, ठीक है, तो उनको 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये फादर हैं, इनकी दो बीवियां थी, इन दोनों की शादी से इनका एक बेटा था, इन दोनों की शादी से इनका दो बेटियां हैं, फॉर एग्जाम्पल दो बेटियां हैं, इनका रिश्ता जो आपस में है ये क्या है, कंसेंग्विन ब्रदर एंड कंसेंग्विन सिस्टर्स का है, फादर जो है वो फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी फोत हो चुका है, भाई जो है वो फोत हो जाता है, इसकी कोई औलाद नहीं है, फादर से फादर जो है बेटे से पहले फोत हो चुका है, ऊपर ग्रैंड फादर भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसकी ना कोई औलाद है, अच्छा इसके साथ जो है इसकी अपना कोई सगा भाई भी नहीं है और ना कोई सगी बहन है, फॉर एग्जाम्पल यानी कि कोई सगा भाई बहन भी नहीं है और ना कोई सगी सगा भाई है, ठीक है, यानी कि इनका बेटा बेटी कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही था, इसकी प्रॉपर्टी में से अब बहन भी नहीं है, सगी बहन भी नहीं है, सगा भाई भी नहीं है, फुल ब्रदर फुल सिस्टर नहीं है, उसके बाद फिर हम जाएंगे कंसेंग्विन सिस्टर को, कंसेंग्विन सिस्टर एक से ज्यादा हैं तो इनको 2/3 हिस्सा दिया जाएगा।
सिंपल सी बात है, एक दफा दोबारा रिवाइज कर दीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे मजीद और शेयर्स जो हैं, जैसे कि 1/3 है और 1/6 है, इसके बाद जो है हम फिर रेजिड्यूरी को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हमने डिस्कस किया है, और इसी तरीके से जो रिमेनिंग शेयर्स हैं जो कुरान में स्पेसिफाई हो चुके हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे।